कैलाश पर्वत के मध्य सबसे ऊंची पहाड़ी पर बैठे भगवान शिव उस दिन भी ध्यान साधना में लीन थे। उनकी दोनों आंखें बंद थी, जटाएं हवाओं में लहरा रही थी और गले में लिपटा सर्प लगातार फुफकार रहा था। सफेद बर्फीली चादर को ओढ़े कैलाश पर्वत पर उस दिन सब कुछ जम चुका था। आसपास कोई भी प्राणी नजर नहीं आ रहे थे। ठंडी ठंडी बर्फ से टकराती हुई सर्द लहरें भोले के कानों से गुजर रही थी, किंतु शिवजी का हठ योग अटल था, उनकी साधना अटल थी। अतः हड्डी गला देने वाली उस भयंकर ठंड में भी वे ध्यान में लीन रहे। लेकिन असीम शांति के छोर पर पहुंच चुके महादेव का ध्यान उन्हीं के एक गण ने भंग कर दिया। गण से मिली सूचना ने उनके आध्यात्म में खलल डाल दिया। शिव अब असीम शांति से दूर क्रोध के भंवर में समाने लगे। उनकी आंखें क्रोध में लाल हो गईं और सामने पड़े अपने त्रिशूल को उठाकर शिव वहां से निकल पड़े। पीछे खड़े सभी गण आने वाली तबाही से भयभीत थे कि अब ना जाने शिवजी क्या करेंगे, क्या होगा तब जब महादेव माता सती के भस्म शरीर को देखेंगे। महादेव की इस रौद्र कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर हर महादेव कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक एक दिन पहले कैलाश पर्वत अपनी हलचलों में व्यस्त था। शिव के गण समेत सभी जीव अपने कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन अपने उन सभी कार्यों के बीच वे शिव और सती के बीच का तनाव साफ साफ देख सकते थे। आज कैलाशाधिपति का मन साधना में नहीं लग रहा। वे दूर काम कर रही सती को लगातार देखे जा रहे हैं, लेकिन अपने अंदर तूफान को समेटे सती अपने कार्य में मग्न है। वे अपने अंदर के विचार मुख पर नहीं ला रही। वे कैलाश पर कैलाशवासियों के सामने आखिर उनके स्वामी का विरोध करें भी तो कैसे। वे जानती हैं शिव उन्हें ही देख रहे हैं और शिव को उनकी नाराजगी का भली भांति ज्ञात है, लेकिन वे जानबूझकर शिव से नजर नहीं मिला रही और काम का दिखावा करते हुए सती अंदर चली गईं। भूत पिशाचों और जीव जंतुओं के बीच रहने वाले शिव इस परिस्थिति का उपचार नहीं जानते थे। हाँ, अगर किसी राक्षस को मारना होता तो बात कुछ और होती। शिव को कुछ समझ नहीं आया, अतः वे उठे और वहां से चले गए। कुछ देर बाद सती बाहर आई और वहां शिव को ना देखकर उनका क्रोध निराशा में बदल गया। सती की नाराजगी और बढ़ने लगी। आखिर कैसा स्वामी है उनका जो उनकी इच्छाओं और नाराजगी का ध्यान भी नहीं रखता, दिन भर जानवरों के संग घूमता रहता है। क्या सती ने शिव से विवाह कर गलती कर दी थी? क्या उनके पिता सही थे? ये सब सोचते हुए सती ने नए वस्त्र धारण किए और अपने मायके की ओर निकल गईं। वे अपने पिता दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में चली गईं, जहां जाने के लिए महादेव ने उन्हें बार बार मना किया था। वे शिव की इसी बात से नाराज थीं। एक तरफ सती अपने पिता के यज्ञ में शामिल हुईं, वहीं दूसरी ओर शंभु कैलाश के दूसरे छोर में ध्यान में लीन हो गए।
दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में सभी देवी देवता मौजूद थे, लेकिन सती को अपने स्वामी की कमी खली। लेकिन सती की आंखें तब छलक उठीं जब पिता की यज्ञ सभा में उनके स्वामी का उपहास किया जाने लगा। वहां शिव की वेशभूषा और संगत का परिहास किया जाने लगा। शिव के इस अपमान ने सती को क्रोधित कर दिया। वे समझ गईं कि भोले सही थे। वे ये भी समझ गईं कि वे क्यों उन्हें यहां आने से रोक रहे थे। सती ने स्वयं को शिव के अपमान का कारण माना और दहकते हवन कुंड में कूद गईं। दक्ष के उस यज्ञ सभा में वीरभद्र नामक शिव का एक गण अपने साथियों के साथ मौजूद था, जो गुप्त तरीके से सती की रक्षा हेतु वहां उपस्थित हुआ था। उसने जैसे तैसे शिवजी का अपमान तो सह लिया था, लेकिन जलती हुई सती उसे रोक ना सकी और वो अपने साथियों संग दक्ष के ऊपर टूट पड़ा। वीरभद्र ने दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया और उसके साथियों ने सभी शिवद्रोहियों का अंत कर दिया। लेकिन तभी उस भयानक मारकाट के बीच अचानक सब शांत हो गए। तेज गति से आते हुए शिव को देख सब कांप उठे। उन्होंने जलती हुई सती को बाहर निकाला और उनको कंधे पर रखकर वहां से चले गए। आंखों में आंसू, मस्तिष्क में सती की याद और कंधे पर आधी जली हुई सती को लेकर शिव संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। उनकी हालत किसी बेजान शरीर की तरह हो गई और दीनानाथ स्वयं बेदिन हो गए। शिव पर सती का मोह पूर्ण रूप से हावी हो चुका था और वे चारों ओर तबाही मचाते हुए तांडव करने लगे। शिव की ये दशा ना तो उनके गणों से देखी गई और ना ही अन्य देवताओं से। लेकिन शिव को शांत करे भी तो कौन करे। सभी देवी देवताओं के आह्वान पर शिव के क्रोध रूपी अग्नि से समस्त चराचर को बचाने का बीड़ा स्वयं श्री हरि ने उठाया। नारायण ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि माता सती का अंतिम संस्कार भी हुआ था। माता सती के हृदय में शिवजी का वास था, इसलिए जिस स्थान पर माता सती का हृदय गिरा था वहीं शिवजी ने उनका अंतिम संस्कार किया था। एक कहानी ये भी कहती है कि सती का अंतिम संस्कार शिवजी ने काशी में किया था। उन्होंने काशी के मणिकर्णिका घाट पर सती की अंतिम क्रिया की और तभी से उस घाट पर अंतिम संस्कार की परंपरा आरंभ हो गई। आज भी काशी का वो मणिकर्णिका घाट शवदाह के लिए जाना जाता है, जहां रोज 200 से 300 शव जलाए जाते हैं। कहते हैं यहां पर अंतिम संस्कार करने से आत्मा जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करती है। तो आपको भगवान शिव की ये रौद्र कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।